आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू, मतलब कि पार्ट फाइव के अंदर हम देखने वाले हैं ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू। और यहां पर मैंने लिखा हुआ है मॉडरेटली बियरिश, मतलब कि हम यहां पर नॉर्मल ये समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू सीपीआर बनता है तो मॉडरेटली बियरिश जा सकता है। अब इससे पहले हमने देखा है अगर हायर वैल्यू होता है तो क्या होता है, ओवरलैपिंग हायर वैल्यू होता है तो क्या होता है, और लोअर वैल्यू होता है तो क्या होता है। अब अगर आपने ये पार्ट नहीं देखे तो आप यहाँ पर पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसके अंदर भी आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने सीपीआर बेसिक भी समझाया हुआ है पार्ट वन के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू अगर सीपीआर बनता है तो हमें यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी मिलती है और हमें कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 19 दिसंबर का और 18 दिसंबर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 दिसंबर को जो सीपीआर बना था वो यहाँ पर एक वाइड रेंज सीपीआर हमें नजर आ रहा है, और उसके आगे यहाँ पर 19 दिसंबर को आप देख सकते हैं सीपीआर कंपेरेटिवली 18 दिसंबर से यहाँ पर नेरो रेंज सीपीआर है और ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू है। मतलब कि यहाँ पर जो 18 दिसंबर का सीपीआर था, जो ब्लू लाइन आपको नीचे की दिख रही है उसके ऊपर से शुरू हो रहा है और यहाँ पर नीचे भी जा रहा है, मतलब कि जो उसकी पहली लाइन है 19 दिसंबर के सीपीआर की वो ओवरलैपिंग है, और जो मिडल लाइन है वो भी नीचे है, और जो बॉटम लाइन है सीपीआर की 19 दिसंबर की वो भी नीचे है। मतलब कि यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू सीपीआर। अब इसके अंदर हमें कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये जो सेटिंग मैंने कर रखी है सीपीआर की, वो मैंने सीपीआर पार्ट वन के अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है। अब यहाँ पर हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है और कितनी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर ट्रेड के लिए हमें दो पॉसिबिलिटी मिलती है। अगर यहाँ पर आज यहाँ पर जो खुला हुआ है मार्केट, मतलब कि 18 और 19 दिसंबर जो ओपन हुआ है मार्केट, उसके हिसाब से अगर हम समझे तो 18 दिसंबर को जहां पर क्लोज हुआ है वहीं से जो 19 दिसंबर को ओपन हुआ है, मतलब कि यहाँ पर हमें जो मैंने लिखा था मॉडरेटली बियरिश, वही पर हमें ध्यान देना है। मतलब जो ब्लैक लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज की वो भी यहाँ पर कह रही है कि बियरिश हो सकता है, और जो यहाँ पर सुपर ट्रेंड की लाइन है वो भी यहाँ पर कह रहा है कि बियरिश हो सकता है, पर हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग बियरिश नहीं होगा, मॉडरेटली बियरिश ही होगा। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम दो ही टारगेट लेने हैं, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप एक ही टारगेट के बाद अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना। अब यहाँ पर हमें कैसे ट्रेड करना होता है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट कैंडल में देख सकते हैं कि वहीं पर मार्केट ओपन हुआ है और यहाँ पर सीपीआर के नीचे भी कैंडल है, मतलब कि प्राइस सीपीआर के नीचे है, मूविंग एवरेज के भी नीचे है और सुपर ट्रेंड के भी नीचे है। अब यहाँ पर जब भी ये जो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट की लाइन वो ब्रेक हुई है और उसके बाद यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, मतलब कि 9:40 की कैंडल में हमारी एंट्री बनती है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ कि जो कैंडल हमें दिख रही है 9:40 की, वहां पर हमारी एंट्री बनेगी, मतलब कि यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और हमारा स्टॉप लॉस होगा वो पिछली कैंडल, मतलब कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो फर्स्ट टारगेट है हमारा, मतलब कि नीचे जो आ रहा है आगे सपोर्ट की लाइन, वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट पूरा हो रहा है, मतलब कि टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हो रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हैं 1.4 है, मतलब कि रिस्क जो हमारा था, स्टॉप लॉस जो हमारा था वो 58-59 पॉइंट के आसपास था, और जो हमारा रिवॉर्ड है, मतलब कि हमारा जो टारगेट है वो है 84 पॉइंट का। तो ये हो गई फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट वहीं पर ओपन होता है तो हमें इस तरह से ट्रेड करना होता है। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन नहीं होता और ऊपर ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि सीपीआर तो लोअर वैल्यू सीपीआर ही बनता है, पर उसके ऊपर ओपन होता है, मतलब जो प्रीवियस क्लोज हुआ था 18 दिसंबर को और हमें यहाँ पर मिलता है कि ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ कहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर हमें सिंपल वेट करना है जब तक ये सीपीआर के नजदीक ना आ जाए प्राइस, और वहां पर कोई भी ऊपर या फिर नीचे की लाइन ब्रेक ना करे तब तक वेट करना है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ से ओपन होकर थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, और अगर ये जो ग्रीन लाइन हमें दिख रही है उसको यहाँ पर ब्रेक करता है
तो यहां से लेकर हमें यहां तक का टारगेट लेना है, और अगर ये नहीं होता और ऊपर ही जाता है, मतलब गैप अप ओपन हुआ है यहां पर और इसके ऊपर की लाइन ब्रेक कर देता है, तो यहां पर हमें बुलिश के लिए जाना है और ऊपर का एक ही टारगेट लेना है। पर यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने सेकंड पॉसिबिलिटी बताई आपको गैप अप ओपनिंग वाली, उसके अंदर सुपर ट्रेंड भी सपोर्ट करना चाहिए और उसके अंदर मूविंग एवरेज भी सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए। मतलब कि गैप अप ओपनिंग के अंदर अगर आप बुलिश के लिए देख रहे हैं तो सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज दोनों प्राइस के नीचे होने चाहिए, और अगर गैप अप ओपनिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है तो मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड दोनों प्राइस के ऊपर होने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।